वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज होने जा रहे हैं दिलदार स्कूल रोड की पासिंग, और मेरी गाड़ी है यहाँ पे लगी हुई, और ये विमल चाचा वगैरह आ रहे हैं, मोहन वगैरह नीचे से, मैं इनके लिए रुका हूँ। अभी देखते हैं, नई रोड कटिंग हुई है गिल्टार स्कूल रोड, तो आज इसकी पासिंग होनी है, तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहता है। तो उससे पहले हम गए कुम्हराड़ी, कुम्हराड़ी रोड की भी आज पासिंग होनी थी, और बस वहाँ पे कुम्हराड़ी रोड में गई और बस वहाँ से मुड़कर वापस आई। कुम्हराड़ी रोड के आने के बाद हम लोग गए कंदरोट रोड में, और कंदरोट रोड की भी आज पासिंग होनी थी, तो हम लोग वहाँ से बस में बैठकर कंदरोट गए। उसके बाद एक मिनट साइड हो जाओ, एक्शन साहब इधर है, एसडीओ साहब भी है, एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को प्लीज आओ सर, प्लीज सर आइए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स खाए, और उसके बाद यहाँ पे मान सम्मान की थोड़ी सी प्रक्रिया थी, उसको चलाया, और उसके बाद हम गिल्टार की तरफ निकल गए। तो गिल्टारी पहुँचने के बाद हम स्कूल के कंपाउंड में आए, वहाँ पे हम लोगों ने आज लंच का प्रावधान रखा हुआ था, तो ये लोग विक्रम भाई वगैरह, संधू भाई वगैरह यहाँ पर पूरियाँ बना रहे थे। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारा स्कूल बस से रोड से जुड़ गया है, आज रोड की पासिंग है, और बड़ी खुशी की बात है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब इनरोल हो सकते हैं। देखो बच्चे कैसे देख रहे हैं, आज स्कूल में बस आने वाली है और रोड की पासिंग हो रही है। स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे बीच।
बीच में आने के लिए। इसके अलावा ऐसे लोक निर्माण विभाग श्री बलवीर ठाकुर जी को सम्मानित करेंगे। कॉन्ट्रेक्टर कुमराली रोड श्री इंद्रदेव ठाकुर जी। सर, आज पूरे क्षेत्र में कितने कुल सड़कों का लोकार्पण किया गया है और कितने लोगों से लाभान्वित होंगे इस बारे में? आज चिंताड़ी व जलता क्षेत्र में 5 लोगों का, 5 लोग का पासिंग हुआ है। हमारे लास्ट करेंगे लास्ट लोग पास। तो इस वक्त आप इसमें जो अंतिम जो ये सड़क है जिसमें काफ़ी ऊंचाई पर स्कूल को भी इसमें कनेक्ट कर दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? पता था कि पहले भी स्कूल का सेकेंडरी स्कूल का टेंडर हुआ था और रूट की कनेक्टिविटी की ना होने की वजह से ये वापस हो गया था। अभी टेंडर का प्रोसेस शुरू हुआ है, उसी रोड की कनेक्टिविटी होने की वजह से और ठेकेदारों की भी जान पड़ेगा। सर, ये काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में पड़ता हुआ आखिरी स्कूल है और सेंट्रल स्कूल है यहाँ पर काफ़ी पुराना, तो ऐसे में सड़क के निर्माण से यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ने की भी उम्मीद है, इस बारे में कुछ कहेंगे सर? ऑब्वियसली जब रोड कनेक्टिविटी होगी तो बच्चे, जब सड़क सुविधा होगी तो गाड़ियाँ चली, गाड़ियाँ पड़ेगी, बच्चों के आने जाने की सुविधा होगी, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी जी। सर, इसके अलावा क्षेत्र के बारे में कोई और विकास कार्यों के बारे में आप कुछ कहना चाहिए सर? अभी आपको पदभार संभाले हुए कुछ समय सर, जैसे आपको पता है कि विकास का चल चलती है, विकास का तो कोई लिमिट नहीं होता है जी सर। रोड की कनेक्टिविटी से रिलेटेड बात तो ये रोड आगे भी जाना है, अभी 1 किलोमीटर और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन मेरा लग से आपसे रहेगा यहाँ पर कि कल आपके अश्विन यहाँ पर है, तो उसे लेकर क्योंकि जो महाटेश्वरी का मंदिर है वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो किस तरह की तैयारियाँ आपके द्वारा की गई? मंदिर ट्रस्टी से हमारी मीटिंग हो चुकी है, जिसकी पूरी तरह से व्यवस्था बना के तैनात किए गए हैं और हमारी स्टाफ भी पूरी तरह से इसके लिए लगे हुए हैं इस लाभ के लिए। और कल भी मैं खुद जाकर देखूँगा अभी व्यवस्था का, देखा था व्यवस्था की व्यवस्था बनी है, कितने की भीड़ आती है तो जी जो संपर्क मार्ग है कहीं ना कहीं जीवन रेखा का कार्य करते हैं, कल भी आपकी इसी तरह की पासिंग है यहाँ पर और होनी है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? और शीत सीजन भी इस दौरान पीक पर है, कहीं ना कहीं देखा जाए समाप्ति की ओर है, लेकिन लगातार रोड की पासिंग यहाँ पर चल रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे? वाकई कल भी हमारे मगोटा में एक और एक रोड की पासिंग है जी, रोड मार्ग से जीवन रेखा है, तो इस जो बागवानी क्षेत्र है बागवानी के लिए सुविधा मिलेगी, चाहे एप्पल सीजन अभी तो एंड पे है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो भी सीजन आएंगे उसको ऐसे मौके निकाल जी। आखिरी में युवाओं के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश अगर आपका? युवाओं का आप जैसे आप पूछते हैं कि युवा नशा में जिलते हैं, तो मैं अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों आपको चेक करें कि आपके बच्चा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो सब अभिभावकों से मेरा गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का चेक रखें, यही हमारे जी। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज नाशनी पट्टी की 4-5 रोडों की पासिंग हुई है और आई होप आई सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय गाइज।